क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझसे बात करो। जाओ और अपने मालिक को बुलाकर लाओ। यही बोल उन्होंने मुझे आपको लाने भेज दिया। हाफते हुए जोसेफ बताता है। शिखर जोसेफ के साथ भागता हुआ नीचे बॉलरूम की तरफ जाता है। जोसेफ की बातें सुन शिखर तनाव में आ जाता है। जैसे जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था किसी के चिल्लाने की आवाजें तेज होती जा रही थी। शिखर यही सोच रहा था कि ये सही वक्त नहीं था किसी से झगड़ा मोल लेने का। अगर ये बात मीडिया में आ गई तो उसके नॉमिनेशन का क्या होगा, उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पर वो है कौन, ये वही है क्या जो चिल्ला रहा है, शिखर जोसेफ से पूछता है। ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर ओबेरॉय। ये नाम सुनते ही शिखर के चेहरे पर तनाव और बढ़ जाता है। शहर के सबसे अमीरों में से एक, पूरे देश में जिनके नाम का सिक्का चलता है, वो चाहे तो ऐसे 10 होटल यूं खरीद ले। इस होटल में या तो ये लड़की रहेगी या मैं। शिखर बॉलरूम में पहुंचता है और देखता है ओबेरॉय एक महिला स्टाफ मेंबर पर चिल्ला रहे थे और वो चुपचाप आंखों में आंसू लिए सुन रही थी। शिखर को उस लड़की को देखते ही उसके पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो जानता था कि जलील होना क्या होता है और उसके दिल में ऐसे लोगों के लिए खास हमदर्दी थी। वो वहां पहुंचता है और मिस्टर ओबेरॉय से सामने अपना परिचय देते हुए कहता है, हेलो मिस्टर ओबेरॉय, मैं शिखर, इस होटल का मालिक। आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ओबेरॉय जो पहले से अपना हाथ कसकर खड़े थे उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए और अपनी आवाज और तेज करते हुए कहते हैं, एक ऐसे लोगों को काम पर रखा हुआ है जिन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, इतना महंगा सूट खराब कर दिया। ओबेरॉय उस लड़की की तरफ देखता है जो अभी भी सर नीचे किए ही खड़ी थी। इतनी तेरी पगार नहीं है जितनी सूट की कीमत है। शिखर उनकी चमचमाते सूट पर पड़े लाल धब्बों को देखता है और पूरी कहानी समझ जाता है। एक मिनट सर, मैं अभी इनसे बात करता हूँ। वो उस लड़की को भीड़ से थोड़ा अलग ले जाकर पूछता है, कैसे हुआ ये। वो लड़की रोते रोते जवाब देती है, मैं वाइन सर्व कर रही थी, मैं पीछे मुड़ी तो सर से टकरा गई और वाइन के छींटे उन पर जा गिरे। मैंने उनसे माफी भी मांगी पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। सर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया और उन्हें भी देखना चाहिए था पर वो तब से उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। शिखर उसे तसल्ली देता है, मैं बात करता हूँ, कहकर वो ओबेरॉय के पास जाता है। सर जो हुआ उसका मुझे दुख है और मैं भी शर्मिंदा हूँ। आप अपना सूट हमें दे सकते हैं, हम ड्राई क्लीन कर कराकर आपके घर भिजवा देंगे और इस गलती की भरपाई के लिए तैयार हैं। ओबेरॉय का गुस्सा इससे शांत होने की जगह उल्टा और बढ़ जाता है। बात उसके ईगो पर आ चुकी थी। उसने सबके सामने कह दिया कि उसे होटल से निकलवा कर ही दम लेगा। वहां चल रही पार्टी में मौजूद सारे बिजनेसमैन जिनकी पार्टी उस बॉलरूम में चल रही थी, जो ओबेरॉय जितने बड़े तो नहीं थे पर उसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, उनके सामने उसकी क्या इज्जत रह जाती। शिखर सोचता है इतना बड़ा आदमी है, इसे इस छोटी सी बात को और नहीं खींचना चाहिए जो पहले से ही काफी खिंच गई थी। पर इसका उल्टा ओबेरॉय की बात सुनकर शिखर हैरान रह जाता है। ओबेरॉय और भड़कते हुए कहता है, मिस्टर शिखर मैं सॉरी में यकीन नहीं रखता बल्कि पनिशमेंट में रखता हूँ। इसको अभी मेरे सामने नौकरी से निकालिए और इस होटल से बेदखल कीजिए वरना देखिए मैं क्या करता हूँ। शिखर समझ नहीं पाता कि क्या करे। अगर ओबेरॉय की बात नहीं मानी तो होटल और उसके साथ उसका नुकसान हो जाएगा और शुभचिंतक से मिलने के इतने करीब आकर भी मिल नहीं पाएगा। पर वो स्वार्थी नहीं हो सकता था। वो मन ही मन जानता था कि क्या सही है और क्या गलत। सिर्फ होटल की इज्जत बचाए रखने के लिए उस मामूली स्टाफ मेंबर के साथ गलत तो नहीं करेगा। फिर इसके लिए वो कोई भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार था। बस यही सोचकर वो ओबेरॉय से कहता है, माफ कीजिए सर, मैं इसे नौकरी से तो नहीं निकाल सकता। शिखर के मुंह से ये बात सुनते ही ओबेरॉय गुस्से से तिलमिला उठता है। ठीक है, मेरी कंपनी के सारे इवेंट्स इस होटल में करने की जो डील हमारे बीच हुई थी उसे अब आप ऑफ समझिए। और आप जानते नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। मैं तो यहां से जाऊंगा ही, बाकी मेरे जितने भी बिजनेसमैन दोस्त हैं उन सब की कंपनी से भी आपका ये होटल ब्लैक लिस्टेड समझिए। शिखर की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया था। करोड़ों का नुकसान उसकी आंखों के सामने हो गया था जिसकी भरपाई अब वो कैसे करने वाला था वो नहीं जानता था। पर वो अपने फैसले पर अड़िग था। वो जानता था उसने सही किया है। मिस्टर शिखर आप एक बार और सोच लीजिए। शिखर एक बार बिना सोचे कहता है, मुझे मंजूर है। ओबेरॉय अपनी नाक सिकोड़ते हुए वहां से तेजी से चला जाता है। जोसेफ वहीं खड़ा सब देख रहा था। सारिया ओबेरॉय को आप जानते नहीं हैं, ये जब भी आता है कुछ न कुछ तमाशा किए बिना नहीं जाता, पर मुझे नहीं लगता बस ये इतने से मान जाएगा। आप सावधान रहिएगा, पर आपने जो किया सही ही किया। आपकी जगह कोई और होता तो बिना सोचे उस लड़की को निकाल देता पर अपना करोड़ों का नुकसान नहीं होने देता। वो लड़की शिखर के सामने झुकते हुए कहती है, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। शिखर ये कहकर वहां से चला जाता है। शिखर अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि
जब भी उसे लगता है कि इस बार तो वो शुभचिंतक से मिल पाएगा, जब भी उसे लगता है कि वो शुभचिंतक के करीब पहुंच गया है, उसकी किस्मत उसे वापस वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहां से उसने शुरू किया था। पर वो कहते हैं ना, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। शखर का फोन बजने लगता है, दिनेश का कॉल है। मुझे शुभचिंतक का पता चल गया है। शिखर उत्तेजित होकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम सच कह रहे हो ना, कौन है वो? शिखर सवाल करता है, उसकी पहचान मुझे पता लगने ही वाली है, पर मुझे उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है और इस बार मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कोई धोखा नहीं होगा। शिखर कहता है, ठीक है, मैं जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे पता करके बताओ कि वो कौन है। शिखर के मन में एक और उम्मीद जागती है, पर यह भी ख्याल आता है कि उसके साथ पहले भी धोखा हो चुका है, पर उसमें दिनेश की गलती तो नहीं थी। शिखर ये सोचकर पैसे निकालकर दिनेश को देने निकल जाता है। उसे रास्ते में रवि मिलता है। वो रवि को सारी बात बताता है कि दिनेश शुभचिंतक के बहुत करीब है और उसे इसके लिए पैसों की जरूरत है। मैं उसे वही देने जा रहा हूँ। रवि उसे रोकता है और समझाते हुए कहता है, पर तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि दिनेश सच बोल रहा है? मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। उसे पता है कि तेरे पास पैसे हैं और शुभचिंतक से मिलने के लिए तू कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। मेरी मांग या उसकी कोई चाल है तुझसे पैसे ठगने की? और एक बार तूने उसे पैसे दे दिए, फिर ना तो तुझे शुभचिंतक का पता लगेगा ना दिनेश का। वो तुझे बस मामू बना रहा है। मत भूल कि वो बस मामूली गुंडा है। वो पैसों के लिए जब अंकुश को धोखा दे सकता है तो तेरा भी सगा नहीं है। और ये लोग किसी के सगे नहीं होते, इनका एक ही धर्म होता है और वो है पैसा। शिखर सोच में पड़ जाता है कि रवि की बात में दम तो है। वो कुछ देर सोचता है और कहता है, नहीं, मुझे दिनेश पे भरोसा है और वो मुझे धोखा नहीं देगा। और वो होटल के नीचे खड़े दिनेश को पैसे दे देता है। शिखर वापस आकर अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि कहीं दिनेश सच में उसे धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं रवि की बात सही तो नहीं है, कि कहीं वो ये सब उससे पैसे ठगने के लिए तो नहीं कर रहा। तभी रवि उसके पास आता है। क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? उसे देखते ही कहता है, मेरे पास एक बुरी खबर है। रवि शिखर के पास जाकर बैठ जाता है। हमारा नॉमिनेशन नहीं हुआ। शिखर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, जैसे वो जानता था कि ये होने वाला है। मुझे पता था, जो हुआ उसके बाद हमें यहाँ तो नहीं कहीं नॉमिनेशन नहीं मिलेगा, पर इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है और मैंने अभी हार नहीं मानी है। मैं कोशिश करता रहूंगा और इस होटल को सफलता की ऊंचाई पर ले जाऊंगा। एक दो साल जितना भी वक्त लगे, जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तब पाने के लिए बहुत कुछ होता है। रवि यह सुनकर मुस्कुराता है। तभी शिखर को शीना का कॉल आता है। शिखर फोन उठाता है। तुम अभी नाइट क्लब आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पर नाइट क्लब तो आज बंद है, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता है, तुम आओ ना, मैंने कुछ खास प्लान किया है। शिखर सोच में पड़ जाता है। पर आज क्या खास है? अरे तुमने मेरी जान बचाई है, ये मेरा तरीका है शुक्रिया अदा करने का। शिखर मुस्कुराता है। ठीक है, मैं आता हूँ। शिखर रवि को बाय कहता है और वहां से चला जाता है। शिखर नाइट क्लब का दरवाजा खोलता है, देखता है सारी लाइट्स बंद हैं। सेंटर में एक टेबल और दो कुर्सियां पड़ी हैं और ऊपर से एक स्पॉटलाइट उस टेबल पर पड़ रही है। टेबल पर एक कैंडल जल रही है और गुलाब के फूल खिले हुए हैं। शिखर को समझ नहीं आता कि ये क्या है, अगर उसे ये सब अच्छा लग रहा था। शिखर इधर देखता है, सामने उसे शीना खड़ी दिखाई देती है, ब्लैक ड्रेस पहने। वो शिखर के पास धीरे धीरे चलते हुए आती है। शिखर को लग रहा है जैसे वो कोई सपना देख रहा है। इतनी खूबसूरत लगते शिखर ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो शिखर का हाथ पकड़ती है और उसे टेबल तक ले जाती है। दोनों वहां जाकर बैठते हैं। शिखर मुस्कुराता है और कहता है, शीना ये सब क्या है? शीना को एक पल को लगता है कि शिखर को अच्छा नहीं लगा। वो उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? शिखर खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, ये सब तुमने किया? हाँ, तुम मुझे ना कम समझते हो, शीना जवाब देती है। ये सुनकर शिखर हंसता है। शीना भी उसे देखकर मुस्कुराती है। शिखर हंसते हुए ही कहता है, हाँ अब बताओ क्यों बुलाया गया है मुझे यहाँ? शीना समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे और कैसे कहे। बात दिल में तो थी पर जबान पर आनी थी। वो कुछ देर सोचती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना था, बस सही मौका नहीं मिल रहा था, फिर सोचा अगर ज्यादा देर कहीं ना हो जाए। हाँ बोलो ना, शिखर कहता है। शीना की पलकें झुक जाती है। वो शर्माते हुए बोलती है, शिखर तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे साथ मैंने अभी तक जितना भी वक्त बिताया मेरी जिंदगी का शायद सबसे अच्छा वक्त है। जितना भी वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूं कम लगता है। शीना को आज शब्द नहीं मिल रहे थे कि वो कैसे कहे कि वो उससे प्यार करती है।
और जब वो उसके साथ होती है तो लगता है कि जैसे वक्त कभी खत्म ही ना हो। शिखर शीना की तरफ देखता है और कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है शिखर, मैं तुमसे। शीना बोलने ही वाली होती है कि शिखर का फोन बजता है। जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ, शुभचिंतक यहाँ है, मैं पता भेज रहा हूँ। शिखर जल्दी में उठता है। सॉरी शीना, मुझे जाना पड़ेगा, दिनेश को शुभचिंतक का पता चल गया है। शिखर सब छोड़कर वहां से भागता है। शीना अकेली वहीं बैठी रह जाती है। शीना अपने कमरे में बैठी है, सोच रही है कि शायद उसने जल्दी कर दी। शिखर पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, अभी ये सही वक्त नहीं है। तभी उसके दरवाजे में दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती है और चौंक जाती है। अनन्या सामने खड़ी है, उसके हाथ में एक लिफाफा है। बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। और क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अनन्या आती है और उसके सोफे पर जाकर बैठ जाती है। शीना उसके पास जाकर बैठ जाती है। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अनन्या की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। शीना उसके हाथ से लिफाफा लेती है, खोलकर देखती है तो उसमें एक लैब रिपोर्ट निकलती है। ये सच नहीं हो सकता। शीना के रिपोर्ट को देखते ही होश उड़ जाते हैं, वो अनन्या को गले लगा लेती है। हाँ शीना, मुझे कैंसर है, लास्ट स्टेज, और मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास बस 3-4 महीने हैं। अनन्या ये कहते कहते रो पड़ती है। शीना, मैं शिखर से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी शिखर से प्यार करती हो। बस मेरे पास बस थोड़ा सा वक्त है, वो मुझे शिखर के साथ बिता लेने दो। मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ, और तुम ना भी कहोगी तब भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं शिखर की यादें साथ ले जाऊंगी, पर शिखर मेरे साथ होगा तो मैं चैन से मर पाऊंगी। अनन्या की आंखों से बहते हुए आंसू देखकर शीना का दिल पिघल जाता है। शीना सोचती है कि वो अनन्या जो जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी, उसे मना तो नहीं कर सकती। पर शीना ने शिखर के साथ कितने ही सपने सजा लिए थे। जो प्यार उसे जिंदगी में अभी तक नहीं मिला था, उसे शिखर में मिल गया था, और अनन्या ने शीना से वही मांग लिया था। शीना अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है, शिखर तुम्हारा है, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। अनन्या उसे कस कर गले लगा लेती है और मुस्कुराती है। उसने नहीं सोचा था कि शीना इतनी आसानी से उसके जाल में फंस जाएगी। वो मुस्कुराती है कि शीना उसके हाथ आ गई थी, और वो भी इतनी आसानी से। यहाँ शिखर दिनेश के दिए हुए पते पर पहुंचता है। पार्किंग में दिनेश गाड़ी में बैठा शिखर का इंतजार कर रहा था। दिनेश बाहर निकलता है और शिखर को एक गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये शुभचिंतक की कार है, यहाँ एक अवार्ड शो में हिस्सा लेने आया है। और शुभचिंतक? दिनेश लिफ्ट की ओर इशारा करता है, जो बंद ही होने वाली थी। लिफ्ट के अंदर खड़ा था शुभचिंतक, महंगा सूट पैंट और टाई लगाए, चमचमाते चमड़े के जूते जिनकी चमक से आंखें चौंधिया जाए पहने खड़ा है। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और शिखर बस उसकी चमकती आंखों में एक झलक ही देख पाता है। शिखर चैन की सांस लेता है कि दिनेश ने उसके साथ धोखा नहीं किया और वो अब तो शुभचिंतक से मिल पाएगा। दिनेश शिखर के इशारे पर शुभचिंतक की गाड़ी का लॉक खोल देता है। शिखर और दिनेश गाड़ी के अंदर घुसते हैं। गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक लाइटर रखा है, उस पर शुभचिंतक के इनिशियल लिखे हुए हैं, MMM। क्या होगा जब शिखर मिलेगा अपने शुभचिंतक से? क्या राज आएंगे सामने? क्या शीना हमेशा के लिए शिखर से दूर हो जाएगी, या उसे समय रहते अनन्या की असलियत का पता लग पाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय।